आनियन, हिम्मत करो बेटा। कैसे हिम्मत करो, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कब से खुदा को ढूंढ रहा हूं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। एक जरा सी गलत फहमी ने हम दोनों में कितनी दूरियां पैदा कर दी हैं, और आप कह रही हिम्मत करो। मेरे साथ इतना कुछ हो गया और आप कह रही हैं हिम्मत करो। मैं अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूं मामा। मैं दूसरों को कैसे यकीन दिलवाऊंगा, कैसे यकीन दिलवाऊंगा कि मुझे फंसाया गया, मैं बेकसूर हूं। मुझे तुम पे यकीन है बेटा, और जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। नाइंसाफी? आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी? मेरी शादी उस जाहिल गवार से करवा दी गई, और आप अब भी कह रही हैं कि आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी। नाइंसाफी हो गई है मामा, नाइंसाफी कर दी गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूंगा यहां से। मैं कैसे यकीन दिलवाऊंगा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूं। मैंने उन दोनों माँ बेटियों को उनकी औकात दिखा दी है, अगर उनमें जरा सी भी गैरत होगी ना तो तुम्हारे आसपास नहीं भटकेंगी। बस बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कंदील का बार बार फोन आ रहा है। नहीं 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 नहीं, अब नहीं। अब उन दोनों माँ बेटियों को मैं इस घर से खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? उन्होंने मुझ पर बदनामी का तमगा लगाया है ना, अब मैं भी आप पर लगाऊंगा तलाक का तमगा। फिर धक्के मार मार के उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस बस मैंने सोच लिया, मैं यही करूंगा उसके साथ। बस उस पर ये एहसान करने की हर की जरूरत नहीं है दानियाल, वो तुम्हारी कैद में रहे इसी का तो मजा है ना। तलाक देकर उसे आजाद कर देना, ये तो बहुत आसान है। और इस तरह तुम अपने सारे बदले उससे ले सकते हो।